वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी नेताओं ने बीजेपी विधायकों के साथ मारपीट की। राजनीति तेज हो चुकी है। साथ ही कहा कि राज्य पुलिस जिस तरीके से दाखिल हुई है, ऐसे में स्टेट भरोसा नहीं किया। जरूरी है कि निष्पक्ष जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच करें। पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। भाजपा के विजय वर्गीय जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा होता है, उसके बाद आज विधानसभा में बीजेपी विधायकों के साथ मारपीट, बंगाल के हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सड़क पे होता था वो विधानसभा के अंदर होने लग गया है। विधानसभा एक डेमोक्रेसी का बड़ा, किसी भी राज्य का एक पवित्र स्थल होता है, जहाँ पर लोग अपनी बात कहें, सरकार सुने और उस पर कार्रवाई करें। साधारणतः यही हमारी डेमोक्रेसी की प्रक्रिया है। पर विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, दलित महिला विधायकों के साथ मारपीट की गई, ये तो प्रजातंत्र की धज्जियां हैं बिल्कुल सरेआम। और मैं समझता हूँ सारे देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए एक शर्मसार बात है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो बंगाल की तानाशाही डेमोक्रेसी को तो समाप्त कर रही है, विकास को भी समाप्त करेगी, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी समाप्त कर देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बंगाल में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और सरकार नियंत्रित होकर काम करे। क्योंकि देखा जाए बीरभूमि में जो हुआ, हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच की बात कही गई है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है सीबीआई पर भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेट पुलिस निष्पक्ष तरीके से जाँच कर पाएगी? स्टेट पुलिस पे तो भरोसा ही नहीं। आज विधानसभा में भी स्टेट पुलिस घुस गई थी। कभी भी विधानसभा में स्टेट पुलिस नहीं जाती, वहाँ पर मार्शल होते हैं, वो इस प्रकार की मैनहैंडलिंग होती तो उसको रोकते हैं। पर स्टेट पुलिस ने आकर वहाँ पर जिस तरीके से झूमा झटकी की है, धक्का मुक्की की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और इससे साफ लगता है कि सरकार का न लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास है और न ही डेमोक्रेसी पर विश्वास है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आखिरकार स्थिति में सुधार होगी कैसे पश्चिम बंगाल? देखिए, अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो मुझे लगता है कि गवर्नर इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट कर, इसके ऊपर विचार करेगी, पर कर सकता, क्योंकि वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।